अमारो खेडूत बे हाथ ऊपर करीने बोले छे, आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात मैं बनाव्यू छे, आ मारो खेडूत बोले छे। भाइयों, आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात में कुछ भी नहीं था क्या? गुजरात नहीं था क्या? अरे इस गुजरात को किसने बनाया? इस गुजरात को सौराष्ट्र की महिलाओं ने बनाया, इस गुजरात को डांग के आदिवासियों ने बनाया, इस गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया, इस गुजरात को उस बन्नी के उस चरवाहों ने बनाया, इस गुजरात को समंदर के तूफानों में जाकर वो मल्ला जो मछली पकड़ता है उसने गुजरात को बनाया। अरे गुजरात पहले से था, और मोदी जब थे जब भी है और उनके बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये प्रधानमंत्री का बोलना कि गुजरात को मैंने बनाया, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, गुजरात में एक चीज मोदी ने बनाई, वो है मोरबी का ब्रिज उन्होंने बनाया, जिससे 150 लोगों की मौत हो गई। यकीनन बनाया आपने, आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया, आपने माया जाल दिखाया। और मोरबी का ब्रिज, अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज, 150 लोग मर जाते हैं, 50 बच्चे उसमें शामिल हैं, जिसमें 2 साल का बच्चा भी है। आप बोलते हैं गुजरात मैंने बनाया। देश के प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि गुजरात को आपने बनाया? मोरबी का ब्रिज फिर कैसे गिरा? कौन जिम्मेदार है उस ब्रिज का? 50 लोग, 50 बच्चे उसमें, रात के अंधेरे में ब्रिज गिरता है, कोई पानी में डूब के मर रहा है, कोई पुकार रहा है बचाओ मुझे, कोई रस्सी को पकड़ा हुआ है। आप सोचो उन लोगों पर क्या बीती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोरबी के पुल को और ब्रिज को भी याद रखेंगे। मैंने बनाया, आपने क्या क्या बनाया? हमको बनाया, सबको बनाया, इतना लंबा लंबा छोड़ा, सब बन गए। बोला कि 500,000 खत्म हो गए तो पूरा ब्लैक का पैसा आएगा, आपने हमको बना दिया। आपने गुजरात में कहा था कि 15 लाख आएगा तो मैं अकाउंट में डाल दूंगा, ब्लैक मनी लाऊंगा। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वो तो जुमला था। सब चीज आपने हमको ही बना दिया।